नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव शेतकरी। दोस्तों, आपने यह चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, आप ये खेत में देख सकते हैं, हमने कपास लगाया हुआ है 4x2 पे। इसको आज लगाए 20 दिन हो गए हैं। इसमें हम आज खरपतवार का स्प्रे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस खेत में चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, सभी प्रकार के खरपतवार निकल गए हैं। तो इस खरपतवार के लिए हम आज स्प्रे कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके खेत में नमी होना ज़रूरी है खरपतवार का स्प्रे करने के लिए। आपके खेत में नमी होगी तो खरपतवार अच्छी तरह से जल जाएगा। दोस्तों, खरपतवार आप जो स्प्रे करेंगे वो 20 या 25 दिन के बाद करना, और खेत में उसके लिए नमी की होना ज़रूरी है। दोस्तों, हम ये जो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती जो आती उसके लिए हम आज खरपतवार का स्प्रे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जो गोदरेज कंपनी का हिटवीट आता उसको हम 15 लीटर के पंप के लिए 30 ml यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ में हम जो इंडोफिल कंपनी का सोसाइटी आता उसको हम 15 लीटर के पंप के लिए 30 ml यूज कर रहे हैं। दोस्तों, ये दो हिटवीट और गोदरेज, इन दोनों को मिला के हम स्प्रे कर रहे हैं। जो गोदरेज कंपनी का हिटवीट आता उससे चौड़ी पत्ती वाली सभी खरपतवार उससे ख़त्म हो जाती है, और जो इंडोफिल कंपनी का जो सोसाइटी आता उससे सभी सकरी पत्ती वाले घास उससे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों मिला के हम स्प्रे ले कर रहे हैं आज खेत में। दोस्तों, आप जिस टाइम दवाई खरीदोगे उस टाइम जो दुकानदार की सलाह से दवाई का प्रमाण खेत में यूज करें। दोस्तों, आपकी कपास अगर कम दिन की होगी तो कपास पे थोड़ा बहुत इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी 2-4 दिन के लिए रुक जाती है। दोस्तों, आपकी कपास 20-25 दिन की हो गई तभी खरपतवार का स्प्रे करें। आपकी कपास अगर 10-12 दिन की है तो खरपतवार का स्प्रे मत करना, क्योंकि कपास पे खरपतवार का थोड़ा बहुत असर हो जाता है। इसके लिए आप 20 या 25 दिन के बाद ही खरपतवार का स्प्रे करें। दोस्तों, जब आप खरपतवार का स्प्रे करेंगे तब खेत में पानी की नमी होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से खरपतवार तुरंत ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।